भाई साहब जो ताली बजा अभी वो गया है घर में, बोलता है मैं बंदूक लेके आता हूँ ना, हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं। पाकिस्तानी ज्यादा खूबसूरत लड़की है इधर वाला। भाई साहब ये कमोबेश 6 फुट का एक नान होगा, ये 6 फुट का। ये सामने आप देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी तालिबान की। ये ना हो कि थोड़ी सी गोभी तोड़े और फिर अल्लाह ने प्यारे हो जाइए, आन घरे कोल पे पड़ी मैं तो टेटियां पड़ दे पे हूँ। ये भाई साहब झोपड़ी इन्होंने बना रखी है। अच्छा यहाँ पे ना हीरा मंडी के बड़े चर्चे हैं, हम रात को भी उतरे थे। मौलवी साहब जईफ हैं, उनको अमेरिका पकड़ के ले गया, पाकिस्तान से उनको पकड़ा है और उनका घर बिल्कुल ये सामने। आफिया सदीकी, आफिया सदीकी भी इसके साथ थी जो पकड़ के ले गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे इन काबुल। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में। आज यहाँ पे अफगानिस्तान में मेरा तीसरा दिन है और आज इस वीडियो में काबुल का डीपली विजिट करूंगा। यानी जो चीजें आपके जहन में नहीं है, बहुत सारे डाउट हैं जो मेरे खुद के माइंड में थे, वो यहाँ आके क्लियर हो गए, तो इंशाल्लाह वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ अफगानिस्तान का और तालिबान का हकीकी चेहरा जो है वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं अफगानी, आज हमारे साथ चलेंगे और एज अ ट्रांसलेटर और टूर गाइड हमारी हेल्प करेंगे सिटी को एक्सप्लोर करने में, थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने भाई साहब को बोला कि हम सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह मैनेज कर लेंगे, आप हमें अफगानिस्तान के गांव में लेके चलो। तो वो बोलता है कि ठीक है हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। शेर वाला से गो वाला नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। वो बोलते शेर से ज्यादा गांव वाले लोग अच्छे हैं यार। यही गाड़ी जगह है एक बंदे का। अच्छा, अब वो भाई को पता है, उसको जगह का नाम पता है। हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए, एक लोकल कोस्टर टाइप है भाई, यहाँ से हम सीधा गांव में जाने वाले हैं। ताकि हमने सोचा पहले गांव का व्लॉग बनाते हैं, आपको गांव दिखाते हैं, हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी है तो हमें मुश्किल नहीं होने वाली। तो बाकी अभी गाँव में जाते हैं तो फिर पता चलता भाई कैसा माहौल है, लेकिन कमाल होता है गाँव तो। खैर लेकिन नाजरीन, खैर फाइनली हम ना जो गांव में पहुंचा हैं जी, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है काबुल से, लेकिन ये कि सारा कच्चा इलाका और कच्चा गांव है। तो आपको जो आज ना अफगानिस्तान की विलेज लाइफ दिखाएंगे इंशाल्लाह और उनका लाइफस्टाइल भी। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप, ये सारे कच्चे घर हैं नाजरीन बने हुए हैं, इस तरह के दरवाजे लगे हुए हैं इधर। मुझे याद है मैं एक दफ़ा ऐसा ही पंगा मैंने क्वेटा में लिया था, लेकिन उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ये वीडियो इधर ही देख लीजिएगा, वो वाली भी। वो क्या बोलता है, वो क्या होता है, नहीं कुछ समझ तो नहीं आया। जो है अभी गांव में जा रहे हैं, ये सारे कच्चे घर थे लेकिन जो असल गांव है वो आगे है। चलते हुए एक बात का ख्याल रखना कि जैसे पाकिस्तान में आप लोग चलते हैं उस जानेब, वहाँ पे वैसे नहीं चलना है, यहाँ इस जानेब चलना है। अस्सलाम वालेकुम, ज़बरदस्त आपको बात बता दूँ कि अभी तक जो ये रोड हैं, ये मेरे ख्याल में जमहूरियत के दौर में ही बने होंगे, लेकिन ये कि ये रोड जो है ना, ये हमारे गाँव वालों से बहुत पक्के हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है ये दारुल हुकूमत इसलिए, लेकिन ना फिर भी इन लोगों ने अपने शहर को काफ़ी हद तक संभाल रखा है, सफाई भी है इधर। हमें ऐसे ना रूढ़ियाँ वगैरह इधर देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन चूंकि वो भाई साहब मकामी है तो हमें परेशानी नहीं किसी बात की, हम आसानी के साथ गांव में जा रहे हैं और आपको विलेज लाइफ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी ज्यादा खूबसूरत लड़की है इधर वाला, इधर का ज्यादा खूबसूरत है। बोलता है कि हमारे इलाके का लड़की लोग जो है वो ज्यादा खूबसूरत है। भाई मानते हैं आप हमारे किस काम के, समझ गए। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बात को सीरियस नहीं ले रहा, इलाके देखो यार, छोड़ हर बात को। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहे कैसे खुश रहे हैं। ये ख्वाजा सरा है भाई, बात नहीं करेगा, इतना ना छेड़ो यार, गुस्सा करेगा, बुरा नहीं मानना है भाई, आप हमारा भाई है, मजाक नहीं करेगा। वो गुस्सा कर रहा है भाई है, लेकिन वो थोड़ा तीसरी दुनिया टाइप ना वो वाला। चलो खैर, ये सामने आप देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी तालिबान की, मतलब ये कोई तालिबान वाला होगा ना अपने घर में गया है गाड़ी बाहर खड़ी करके,
घर इनके कच्चे हैं भाई, लेकिन ये कि ईमान की ताकत है और ऐवें नहीं अमेरिका को नाथ डाली हुई भाई साहब। ये सामने गाड़ी खड़ी, घर देख लो, आपको लगता है कि ये यूएसए से लड़ने वाले हैं, लेकिन लड़ने वाले हैं भाई, कोई शक नहीं, मार दिए इन्होंने यूएसए को। अच्छा गांव में तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा काम आप कर लें, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। आगे अभी ईरान का सफर भी तो बाकी है भाई, वो भी तो आप लोगों ने देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, साथ एक वो बेल आइकॉन वाली घंटी नहीं होती उसको भी दबा ले। कुछ नहीं होता, नहीं हाथ थकेंगे आपके, ना ही इतना जोर लगेगा, आसानी के साथ बेल आइकॉन क्लिक कर लें। यार ये यहाँ पे ये लोग नान बना रहे हैं ना, तो हमने सोचा आपको गांव में जो एक ट्रेडिशनल नान टाइप होता है ना वो दिखाते हैं आपको कैसे पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक? ये हमारा दोस्त है ना। हाँ हाँ, क्या हाल है, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? तो ये बनाने का तरीका देखें आप, ये पहले इधर नान को तैयार करते हैं, नान को तैयार करने हरदम टिक्का लाए पकाए हैं। हां हां, ये नान को इधर तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं आटे को, और इसके अंदर ये आग जल रही है आप देख सकते हैं नीचे, और ये उसको तैयार करेगा, इसके ऊपर डालेगा और फिर अंदर डाल देगा इसको, और उसके बाद ये पक जाएगा। पकने के बाद इस तरह ये लंबा नान होता है, ये पक के आ जाता है, और मेरे ख्याल में ये एक नान ही जो है ना तीन चार लोग खा जाते हैं। कितने लोग खाते हैं ये एक? लेकिन हमारे यहाँ भाई मुझे लगता है एक ये वाला नान तीन चार लोग खा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे भाई साहब, भाई साहब ये कम ओबे 6 फुट का एक नान होगा, ये 6 फुट का नहीं तो 6-5 फुट तो पक्का है, बंदे जितना है ये खाली एक। ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं ये फौरन यहाँ पे इकट्ठे हो गए, रोटी इनकी नमकीन है लेकिन बहुत बड़ा हैवी नान है, वो पूरा है नान वाला टेस्ट भी नहीं आ रहा ऐसे। शुक्रिया भाईजान, बहुत मेहरबानी। अभी खैर हम यहाँ से निकलने लगे भाई साहब, जहाँ पे भी जाते हैं लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं वहाँ पे ना। अब ये देखें ये सारा कच्चा इलाका है भाई साहब अफगानिस्तान का, ये सामने आप फसलें आप देख रहे हैं, ये सामने बिल्कुल आपको इनकी गायें वगैरह जो है ना वो नज़र आ रही होंगी। अच्छी बात तो ये कि यहाँ पे खवातीन नहीं है, क्योंकि खवातीन के पर्दे का मसला होता है, हमारा वीडियो का काम है, वो सामने गायें वगैरह चर रही हैं यहाँ पे। अभी ये ऊपर वाली साइड जो है ना ये सारी ये जो है ये गांव है, ये भी कच्चा इलाका था, आ तो हम गांव में ही गए हैं, लेकिन जो असल गांव है वो आगे थोड़ा आ जाएगा, वो वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। तो खैर अभी जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो खैर बस मुझे डर ये है कि ख्वातीन ना हो, बंदे का तो मसला नहीं है ना, फिर वो ख्वातीन होंगी तो जो दूर से देख रहा होगा वो बड़ा अजीब बिहेव करेगा, अल्लाह ना करे। मस्त, खैर आपको दिखाता हूँ, ये सामने ना आप देख सकते हैं गोभी, गोभी मेरे ख्याल गोभी है ना जी, इन्होंने इधर बीज रखी है, ये गोभी की फसल आ गई भाई साहब, ठीक हो गया, खुशबू भी उसी तरह की आ रही है ना, मेरे ख्याल ये फूल गोभी है, हाँ ये फूल गोभी है अंदर, ये ना हो कि थोड़ी सी गोभी तोड़े और फिर अल्लाह ने प्यारे हो जाइए, आन घरें कोल पे पड़ी हुई अंदर टेटियाँ पड़ दे पे हों पता लग गया जी गोभी खाधी है तो साइया पैर मार देता, अल्लाह माफ करे। तो अभी और लोग भी बाहर निकल के आ गए ना शायद उसकी वजह से ना, अभी भाई साहब को साथ लेते हैं और आगे जो दूसरा गांव है ना वहाँ पे भी जाते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा ये इन्होंने ना ये झोपड़ी टाइप बना रखी इधर, ये आके बैठते हैं या सोते हैं या पता नहीं क्या काम करते हैं, या रखवाली के लिए शायद इधर बैठते होंगे ना, ये ऊपर इस तरह इन्होंने डाल के इधर इसके अंदर ये खाना आ गया। ये है भाई जान द रूरल लाइफ ऑफ अफगानिस्तान, थोड़ी यहाँ पे ना ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी तंग है, तंग इस तरह है ना यार के सामने आप वो झोंपड़ियाँ देख सकते हैं यार, गुर्बत की वजह से ना बस लोग बेचारे परेशान हैं। वो भाई साहब बता रहे कि 15-15, 20-20 अगर घर के अफराद है ना तो उनमें एक बंदा कमाने वाला है, बाकी सारे उसी पे इनहसार करते हैं। बोर नहीं हो रहे आप? उम्मीद है नहीं हो रहे होंगे, मैं बोर करूँगा भी नहीं आपको, अभी आगे जाके देखें ना आप, उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। अब वहाँ पे औरतें बैठी तो इस भाई साहब ने औरतों को बोला कि आप दूसरी साइड पे हो जाएं, वो औरतें दूसरी साइड पे हो गई हैं, तो ये जो भाई बैठे हुए वो भी हमें देख रहे हैं और उन्होंने आवाज़ भी मारी है किस लिए जा रहे हैं। अभी एक कच्चा इलाका है सारा है, तो यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए थे, हम भी इधर आके बैठे, हमारा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब जानते हैं, उस पे वीडियो बनाने के लिए हम डाल रहे थे। तो ये इधर भाई साहब ने ये जगह जो है ना ये चादर वगैरह डाल के ऊपर बैठे हुए तो बड़े सुकून के साथ हम भी, और यहां पे भाई साहब ने बुलाया हमें तो हम भी यहाँ पे आके बैठ गए। हमने तो पंजाब में टाइम गुजारा है, कितना दिन में उधर स्कूल पढ़ता था मैं, अब उधर पढ़ता रहे कितना दिन, जबरदस्त 5वीं तक हमने उधर ही पढ़ा। अच्छा अच्छा, पैदाइश उधर हुआ? पैदाइश उधर ही हुआ पिंडी में। अभी वो भाई साहब जो हमें साथ लेके आए उन्होंने बुलाया कि आप आओ और हमारा घर देख लो आके ना, तो अभी उनका घर देखना है इलाका देखना है, उम्मीद है खवातीन साइड पे होंगी इसलिए फिर मसला नहीं होगा। रूरल स्टाइल है जो एक विलेज का जो स्टाइल होता है वो आपको दिखाते हैं चल के इंशाल्लाह। जो भाई साहब ने बताया था कि तामीराती जो है ना कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे थे जो यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन ना जैसे हुकूमत तब्दील हुई ना तो वो सारे प्रोजेक्ट रुक गए, यानी कंपनीज बाहर की थी तो वो सारे जो है ना वो रुक गए। ये देखो भाई साहब ये देखो,
यहाँ पे ये भाई साहब रहते हैं, हैं? ओहो अच्छा अच्छा, तो ये जगह आप लोगों का अपना है? अच्छा अच्छा अपना नहीं है ये भाई साहब, झोपड़ी इन्होंने बना रखी है। अच्छा ये गांव है आपका, दूध देता है आपको? ठीक हो गया। तो ये ऊपर चादर आपने सर्दी से बचने के लिए इसके ऊपर डाल रखा है? ओए सर्दी सर्दी है, अंदाजा भी नहीं। ओए होए होए, ये हमारा घर है, ये हमारा एक गई है ये भाई का घर। तो ये जनाब ये झोपड़ियों के अंदर ये रहते हैं और कोई काम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये आपने सोलर प्लेट रखा हुआ है बिजली करंट के लिए? हां हां, लाइफ बहुत मुश्किल है यार, मैंने आपको पहले बताया। बहुत यार मजबूरी है ना, वीजा भी नहीं लगता है। हां पाकिस्तान का वीजा भी होता है, मैं जब तक पाकिस्तान चला गया हां वीजा होता था, तब नहीं लगता है। पासपोर्ट है हमारे पास, हां पासपोर्ट तरावल छ बेदी तो खी माजी, ये हमारा माँ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है रिश्तेदार? आपका बच्चा ये वाला बच्चा? ये भी बच्चा है, ये दो भी बच्चा है, वो और सदानी भी और दस बच्चा है। अच्छा अच्छा, सात और बच्चा है, वो भी इधर चला गया, चला गया बाहर घूम फिर रहा है ना। बड़ा तो गड़ी मारता है ना, फोट हो गया। सही सही, 14 साल मरता है, वो मर गया। ओए होए, हम ना बाहर से आपको फ्रूट लेके देगा, वो अपन बच्चों को लाके देना। नहीं आप हमारा भाई है यार, ये हमारा पासपोर्ट, ये पासपोर्ट देख रहा है, ये रहा पाकिस्तान का वीजा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस पर भी दर्द वीजा लगता है। अभी दोबारा तुम वीजा लगवाने के लिए गया नहीं है? नहीं यार किधर है, वीजा भी नहीं लगता। नहीं अभी गया काबुल, इधर गया तो क्या बोलते इधर एम्बेसी में? नहीं बंद बंद कर दिए, पाकिस्तान का भी बंद है, सफारत भी नहीं दे रहे। अच्छा कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। नहीं 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 यार ऐसा नहीं, नहीं नहीं यार ऐसा तकलीफ नहीं देना ना भाई, इसकी ये चीजें खास होते हैं उसमें, हमने दूध पिया। अच्छा अच्छा, आप लोग चाय कौन सा पीते, दूध वाला या कावे वाला? दूध वाला, दूध वाला पीने। तुमने कौन सा वाला पीना? अरे हम भी दूध वाला ही पीते हैं। अच्छा, लेकिन ये ना कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ना वो दूध वाले के साथ साथ कावा जो है ना बगैर दूध वाला वो भी बड़ा ज्यादा इधर पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। जो तुम्हारा मर्जी इनको बताओ के लिए बनाएगा। नहीं वो इनको तकलीफ नहीं देना। नहीं यार ये भाई तकलीफ है भाई जान, ये तो अफगानिस्तान है, हम जो है इस तरह लोग नहीं है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, कोई शक नहीं है। सही है, आप लोग का घर इधर पास है? अच्छा वो सामने। आप लोग क्या काम करते हैं? हम जो है ना अभी तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, कौन सी क्लास में? अभी तो मैट्रिक पास हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी में जाते हो। अच्छा मोहब्बत का खुश है, चीज का मसला नहीं है, हम लोग मोहब्बत का भूख है, आपको मोहब्बत बहुत है। ये वो बच्चे ने उठा रखा है, देखना बच्चा सब उतना वो लेके आया, उसका रखो इधर नीचे। ये बच्चा एक अकेला बेचारा, इतनी ये चादरें वगैरह उठा के लेके आया है, तो इसको इधर बिछा दो, हम सुकून से इधर बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है यार। असल चीज मोहब्बत होती है यार, अगर दिल में जगह हो ना तो इधर भी बिठा दो तो बंदा खुश होता है, लेकिन अगर दिल में जगह नहीं तो फिर उसको जिधर मर्जी बिठाओ अच्छा नहीं लगता। पीने के लिए शुक्रिया भाई जान। जो चीना चश्मे का है? चश्मे का है? चश्मा गांव में नहीं है, दूर है, जो चीना होता है। हां हां मालूम है, पानी वो तो आगे बहुत दूर आएगा। अच्छा बहुत दूर है, ज्यादा दूर है, कोई कोई का पानी में नहीं पीता है। थोड़ा यार ये तो बात ठंडा है यार, चीने का इधर सर्दी है, सर्दी की वजह से पानी ठंडा है, ऐसा जैसे फ्रिज में रखा हुआ हो ना। आप कभी पाकिस्तान गए? क्वाड में गए? क्वाड में चकरी चकरी लगा। अरे लाहौर नहीं देखा? जिनी लाहौर नहीं भी क्या? ओ जमिया ही नहीं, वो जमिया नहीं, वो जमिया नहीं। अपनी जुबान में बता। ये बच्चा चल और ना दिल लगा पैदा शो है ना तो पुलिस पाकिस्तान के। हाँ पाकिस्तान पैदा नहीं, मैं काबुल। अच्छा काबुल में पैदा। गुट गुट पाज अपिया, गुट गुट पाज अपिया, आज अपिया कुछ रहे, गुट गुट पाज अपिया। अच्छा भी कमाल कर दी। पाकिस्तान की कौन सा हुकूमत पसंद था? इमरान खान ठीक था या ये वाला? इमरान खान तो ठीक था, जो है ना आराम से उधर जो है ना रह सकते थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, ना फौज की तरफ से ना पुलिस की तरफ से, आराम से जो है ना सुकून से जी सकते थे। अभी ये कारोबार भी जो है ना उधर ड्राई फ्रूट का जो है ना आराम से सारा काम चलता था। और जब से ये हुकूमत आया, अब जब से ये हुकूमत आया बॉर्डर पे जब हम माल बेचते हैं बादाम जो कुछ गन्ना वगैरह, बहुत प्रॉब्लम से होते हैं उधर, कस्टम भी पकड़ते हैं ना और टैक्स भी बहुत आते हैं, इसकी वजह से हमारे कारोबार के भी जो बहुत प्रॉब्लम। ये भाई साहब दूध का चाय लेके आ गए, दूध वाला है? दूध वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके साथ जो है दूध लस्सी दही सब कुछ होता है इनके ना, प्रेम होता है। आप लोग पियो, पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, तू आप नहीं ले रहे, तुम ले रहे, हम नहीं ले रहे, हम भी लेंगे, उधर तो बहुत गिलास पड़े हुए तरह के। और क्यों बखा यार, जबरदस्त टेस्ट है यार इसका, ये हम नहीं लेता है, हमने कभी नहीं लिया है, नहीं नहीं हम कभी नहीं लिया है। अभी भाई साहब कावा सर्व करने लगे, जनाब ये कावा आ गया जबरदस्त,
पियो यार आप लोग पकड़ो मेरे लिए दूध चलो लो और ले लो लो यार ऐसे क्यों करते उसका नस्वार भी ले खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई ने नस्वार रख ली इसलिए वो नहीं ले सकते लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जबरदस्त यार वाकई जबरदस्त भाई साहब बता रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे ठीक है हालात लेकिन दिसंबर में आके ना गोडे गोडे बर्फ जम जाती है भाई साहब सारी बर्फ ही बर्फ होती है यहाँ पे और ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं ना ये बर्फ से ढके होते हैं अच्छा यहाँ पे ना हीरा मंडी के बड़े चर्चे हैं हम रात को भी उतरे थे सबको पता है हीरा मंडी का कसम से यार रात को भी उतरे थे वो लोग हीरा मंडी का पूछ रहे थे अभी यहाँ पे भी हीरा मंडी का चर्चा हो रहा है माफ करें वो जो आ जाओ अभी यहाँ पे बड़ी जबरदस्त महफल हुई हमारी और उसके बाद हम यहाँ से आगे पहाड़ों की तरफ और गांव की तरफ निकलने लगे तो वो चल के आपको दिखाते हैं ये जो भाई हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम भी आपके साथ साथ चलते हैं चले पे ठीक जबरदस्त आपकी मर्जी नहीं नहीं आप जाओगे यार हम खुश यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप हमारा भाई यार ऐसे नहीं करो यार ऐसे नहीं करो यार हमें खुशी होती है यार आप लोग हमारे साथ जाएगा जोहर में आप हमारे मेहमान हैं बहुत मेहरबानी भाई बहुत मेहरबानी शुक्रिया लो बीबी अभी हमें दावत भी मिल गई है जोहर की तो इंशाल्लाह अभी आगे घूमने के लिए जाते फिर यहाँ पे वापस आएंगे अभी ना अभी वो भाई साहब जो तालिब है जबरदस्त ले आओ अभी वो गया है घर में बोलता मैं बंदूक लेके आता हूँ ना हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं यार कमाल हो गया यार ये तो जबरदस्त हो गया वो बंदूक लेने गया घर से अरे ना भाई साहब ये टमाटर है ये टमाटर लगे हुए ना सर ये टमाटर है ना तो ये लोग ये देखो अभी कच्चा ये कच्चा क्यों तोड़ा है अभी लाल नहीं हुआ है नहीं नहीं इसको जो है ना अभी धूप पे रखेगा धूप में रखेगा फिर इसको लाल करेगा उसके बाद जो है ना ये लोग खाएंगे इसको जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना हाँ हाँ शापर सर्दी के लिए हाँ हमारे उधर होता है टमाटर इसलिए हमें पता है थोड़ा बहुत खैर ये फसलें वगैरह भाई साहब आगे ठीक है ये सामने जो है ये सारा आप देख सकते हैं पहाड़ों के नीचे जो है ना ये सारी फसलें इन्होंने लगा रखी हाँ ये स्कूल है अच्छा अच्छा तो ये बताइए सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल है अच्छा अच्छा तो इधर बच्चों को क्या फारसी में पढ़ाते हैं पश्तो में पढ़ाते हैं पारसी अच्छा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं ठीक है जबरदस्त हो गए तो ये जानवरों को डालने के लिए चारा वगैरह जानवर खे रहे हैं उसको नहीं जानता है तो नहीं मुझे नहीं मालूम वो पालक बनाता है वो अच्छा अच्छा पालक की तरह का ये खाने वाला चौतल चौतल बोलते हैं उसको जानता है वो मदरसा अच्छा जो मौलवी ज़ैफ होता है हाँ हाँ अमेरिका ने पकड़ा है पाकिस्तान में अच्छा वो लोग है वो अच्छा वो इधर मदरसा मौलवी साहब ज़ैफ अच्छा अच्छा जो पाकिस्तान में अमेरिका पकड़ा है ठीक है लेकर गया पापा वो एक नाम क्या है वो लड़की का अच्छा यूसुफ नहीं 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 पाकिस्तानी लोग था फैसी दिखी नाम है क्या नाम है हाँ। वो भी इसके साथ पकड़ा है इधर से वो पकड़ के लेके गए थे नहीं 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 पाकिस्तान में पकड़ा पाकिस्तान में पकड़ा वो इनका घर इधर है हाँ इसका घर भी इधर है इसका मदरसा भी है तक हाँ। तो एक मौलवी साहब है मौलवी साहब ज़ैफ है उनको अमेरिका पकड़ के ले गया पाकिस्तान से उनको पकड़ा है और उनका घर बिल्कुल ये सामने जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आफिया सदीकी भी इसके साथ ही जो पकड़ के ले गए अच्छा ये बिल्कुल हम सामने खड़े हैं ये सामने उनका घर है सामने आपको मीनार नजर आ रहा होगा तो ये जो है ना उन्हीं की जगह है तो खैर उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया इसलिए तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले व्लॉग में अपना रखे बहुत सारा ख्याल चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाँ एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको सब्सक्राइब कर लें बड़े बेहतरीन व्लॉग बनाते हैं वो एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर आपको ज़रूर मज़ा आने वाला अपना रखेगा ख्याल मुझे दीजिएगा इजाज़त ओके अल्लाह हाफिज़।